विलेज का शादी ऐसा होता है, पहला रोटी जल गया गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मछली फ्राई हो रहा है गाइस यहां पर। कैसे गाइस लग रहे हैं बलून। Good morning guys, Stacy Dilesi Warafipulo, namaste, this is your Darshan Thamang and once again welcome back to my YouTube channel Darshan Vlogs. So guys, अभी सुबह सुबह ना एक्चुअली मैं मामा जी को लेके आया हूं क्योंकि आज मामा जी का हेयर कट करवाना है और ना धो मतलब आज मामा जी का ब्लू ब्लू टाइम। हाय गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग। गुड। सो गाइज क्योंकि आज मौसम काफी सुहाना है और गाइज यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, करिश्मा दीदी भी घर में आई हुई है। हेलो नाना, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मम्मी गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सब जनालाय। मैं आज तो हेयर कलर कर रही हूँ। मम्मी जी का हेयर कलर तो ऑलवेज ब्लैक है ना, शादी में खूबसूरत दिखना है ना। ओ मम्मी जी, मम्मी जी का बाल सफेद है। हाँ सफेद सफेद है बाल। मम्मी जी बुढ़ी हो गई कि क्या हो गया? बुढ़ी तो हो गया, 50। अरे मम्मी तो फॉरएवर यंग है, फॉरएवर यंग। थैंक यू बेटा। मम्मी फिर आगे काला है, वो पीछे जी बर्गंडी है। ओ ये करिश्मा दीदी का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग मेरे भाई बर्फी। गुड मॉर्निंग। मैं देखो अभी गांव में शादी है ना, इसलिए गिफ्ट ऑलरेडी पैक्ड, गिफ्ट पैक करके रखा है। इसमें क्या है मम्मी? क्या है? कुछ नहीं, ये ऑलरेडी ऑर्डर का है। मम्मी जी का देखो ऑर्डर शुरू हो गया, गिफ्ट का ऑलरेडी पैक करके रखा है। मम्मी जी का बिजनेस अच्छा चल रहा है गाइस। सो चलो चलो गाइस, अभी मामा जी को पहले हेयर कट करवा रहे थे, उसके बाद नहा धो के सो मिलते आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में। चलो आज मौसम तो गाइस काफी अच्छा है, देखो धूप खिल रहा है एकदम बढ़िया सा, कपड़े उपड़े सूख रहे हैं। बर्फी बर्फी को भी नहलाना है, ये भी बहुत दिन हो गया था नहीं नहाया है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए इसे नहाना चाहिए। चलो गाइज मामा जी को नहा धोके एकदम चिटी के बना दिया है, देखो मामा जी लग रहे हैं हैंडसम। खाई थैंक यू भानिज बना। थैंक यू भानिज। एउटा गीत सुनाइदिनु मामा, एउटा गाना किशोर कुमारको गाउनु छ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर दम से बेगाना होता है। वाओ, सुना किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरी कोई मेरे महबूब। वाओ दामी 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 दामी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी पे हर गम पे गाना होता है। दामी मामा जी घर चलते हैं, ठीक है? खाई ठीक है मैंने, ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं, कौन? अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? कब मिलोगे? जब तुम कहोगे, जब तुम कहोगे। वेरी गुड। देखो गाइस बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे, आज हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए पतंग उड़ा रहे। ये पकड़ो तो मोरा, रील में डाल लो। उड़ गया पतंग भाई, उड़ गया। किसने बनाया पतंग? देखो गाइस बच्चों ने सेलोटेप लगा लगा के अखबार में पतंग बना लिया हुआ। बचपन में मैं भी ऐसे करता था गाइस। बाय बाय। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर नीचे मतलब गांव में आया हूँ और मामा जी को नहा धो के एकदम साफ करके घर पहुँचा दिया। और गाइस एक्चुअली मेरा भी हेयर कट करना था, एकदम वो करना था ना, लेकिन मुझे ऊपर टाउन जाने का टाइम ही नहीं मिला तो मैं आ गया आयुष भाई के यहाँ पर, क्योंकि आयुष भाई यहाँ पर हेयर कट करता है। एंड हेयर कट करने का लोकेशन आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर देखो नी पूरा यहाँ पर पाइन ट्रीज और नीचे का व्यू, ये इसके नीचे टी गार्डन है। यहाँ पर एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट, एकदम खूबसूरत जगह में आयुष भाई कपल का है। आए लो भन्दै न। हेलो गाइस एवरीबॉडी। कौन सा वाला कट करेगा भाई आज? अब जो बोलोगे भाई कट। गाइस सीट भी एकदम बढ़िया है, चलो दामी। गाइस जिंदगी में पहली बार ऐसी जगह में बैठ के हेयर कट कर रहा हूँ। क्या आप लोगों ने ऐसे हेयर कट किया है एकदम आराम से ऐसे बैठ के? आगे का नज़ारा यहाँ पर है मिंजू विलेज। दामी काट दो कसो भन्नु त, यहाँ साइड साइड कोही तुझिर हान्थ्यो होइन? अन्त यो त अन्त उडाउने रहेछ त अन्त हावाले। ठिकै छ सर, नहुने त गएर।
गाइस चलो फाइनली हेयर कट भी हो गया एंड आयुष भाई ने अपना स्टाइल से एकदम ऐसा कट कर दिया। ये कलर के भन्छौ मिड फेड कट। चलो ये भी उतार दो भाई। थैंक यू आयुष। तो चलो गाइज अभी नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ और अभी नीचे शादी वाले घर में भी जाना है। तो विलेज में छोटा सा मतलब उतना ज़्यादा ग्रांड शादी सेलिब्रेशन तो नहीं होगा, छोटा सा शादी है। तो गाइज विलेज में छोटा सा भी कुछ फंक्शन हो तो मज़ा तो मज़ा ही आता है। तो चलो अभी जाते हैं, क्या क्या हो रहा है। मम्मी जी आप नहीं जाओगे? मैं एक्चुअली गाइज शादी तो आज नहीं कल है, लेकिन आज बहुत सारा काम ऐसा वैसा कुछ कुछ होते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत हेल्प भी करना है। डैडी जी कश बनाना सब लोग नीचे है, मम्मी दुकान में बैठेगी, हम सब लोग जाएंगे। लो मम्मी बाय। तो चलो गाइज अभी देखते हैं शादी वाले घर में क्या प्रिपरेशन चल रहा है। एक्चुअली अभी यहाँ ना नानी माँ के घर के आगे मछली कटिंग हो रहा है भाई। देखो माछा, कौन सा माछा है भैया ये? रुई माछा, रुई माछा। सो गाइज आज के लिए क्या बन रहा है? ये भाई माछा का तेल है, सब्जी। सो गाइज अभी मंडप का तैयारी ऐसा इतना तक हो गया, देखो मंडप का तैयारी ऐसा इतना तक हो गया। देखो खिड़की का डिजाइन भी बहुत ही अच्छा तरह से निकल दिया है हमारे भाई लोग ने, और ये देखो हेयर का डिजाइन भी बहुत ही अच्छा किसने बनाया है ना। वाओ हरियाली छा गया गाइज, छा गया। और करण ए के वो हाम्रो इलेक्ट्रिसियन मेन अभिषेक भाई हाम्रो मामाहरू हुनुहुन्छ है। ल यहाँ हाम्रो खास पेन्डलको डिजाइन चाहिँ हाम्रो सौगत भाइले निकालेको, अनि कलर डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हाम्रो करण भाई पेन्टिङ। वाह दामी 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 है मामा, कस्तो हुँदैछ? राम्रो हुँदैछ खै? लाइट वाइट दिमागले भ्यायो त्यति त सोचेर गर्दैछौँ हुन्छ, ताकि राम्रो होस् भनेर। हजुर गाइस ये है दुल्हा और दुल्हन का पोस्टर भी आ गया, देखो यहाँ पर फोटो भी आ गया। अनुका एवं आवाज, जो अनुका और आवाज का शादी है। चलो सो गाइस आज शाम तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा डिजाइन। चलो देखते हैं। और ताजन भाई, ताजन भाई के क्या है, क्या चल रहा है? कलरिंग। कलरिंग अच्छा कर रहे हो तो कलर तो। हाँ कहाँ से सीखा मेरे भाई? हाँ अपने आप देखो मलाई। हमारे इलेक्ट्रिशियन मैन क्या कर रहे? ओ गाइस यहाँ पर लगेगा रिंग लाइट, एकदम दुल्हा दुल्हन का चेहरा फोटो खींचने के लिए। आम इलेक्ट्रिशियन इतना मजबूत दांतों से निकाल रहे, देखो कौन सा दांत मजन यूज करते हो? डाबर लाल। डाबर लाल अरे इसके नीचे क्या हो रहा है अभी देखो, नीचे बन रहा है हमारा स्पेशल नेपाली रोटी, सेल रोटी। सेल रोटी स्पेशलिस्ट हमारे रसनाको सेल रोटी स्पेशलिस्ट। ल पहला रोटी जल गया गाइस, पहला रोटी जल गया देखो। कति पिस हुन्छ अघु? 500 पिस। ओ नीचे क्या हो रहा है? ओ डैडी जी क्या हो रहा है नीचे? ओ भाई गाइस शादी शुरू हो गया, नीचे बकरी बकरी के ऐसे कर रहे, मटन मटन के तैयारी हो रहा है देखो। सो गाइस चलो आज तो सेलोटी हम चख नहीं सकते क्योंकि इसको ना पूरा मतलब प्रोसेस में चढ़ाना चुड़ाना होता है, इसका भी कुछ रिचुअल्स होता है, तो बाद में देखेंगे कैसा होगा सेलोटी। और शादी तो आज नहीं है ना, शादी है कल, तो कल ही चखेंगे सेलोटी भी, तो चख के बताएंगे। चलो अभी चढ़ा है ना। और नीचे भी बहुत सारे काम चल रहा है। सो गाइस अभी विलेज का शादी है ना, विलेज का शादी ऐसा होता है, नीचे भी देखो यहाँ पर भी काम हो रहा है, यहाँ पर भी काम हो रहा है, ऊपर भी काम हो रहा है, ऊपर भी काम हो रहा है। तो गाइस अभी देखो देखते देखते हो गए शाम और अभी तक काम जारी है गाइस। तो हमारा जो मंडप का डेकोरेशन है ना अभी तक काम जारी है एंड अभी बैलून वैलून लगाने का काम चल रहा है। सो गाइस चलो बाहर से दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसा हो रहा है, फूल वूल लग रहा है बाहर, और ये रहा हमारा बाहर का डिज़ाइन, और अंदर लाइटिंग वाइटिंग भी लग चुका है, और ठंड बहुत ज़्यादा है, देखो भाई को इतना ज़्यादा मफलर वफलर पहन के। चलो और टार्जन भाई देखो धमा धम क्या कर रहे हो भाई? पंप बलून में लाउँदो रहेछ बहिनीहरूले है। नमस्ते भन्नु न बडी। और गाइस देखो यहाँ पर हो रहे हल्का सा मछली फ्राई, हम पूरा मछली फ्राई हो रहा है गाइस यहाँ पर देखो।
इतना मछली फ्राई करते करते तो रात हो जाएगा था मामा जी। रात हो जाएगा यार, क्या करेगा। आमला करो ना आमला। Finally guys, लग रहे हैं बलून। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। सो गाइज, कल ना ब्लॉग ऐसे करके मतलब कंप्लीट नहीं किया था, तो आज सुबह सुबह उठ के सो ब्लॉग एंड करूंगा आज। और आज गाइज शादी वाला दिन है, तो चलो शादी में आज क्या क्या होगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन ये वाला ब्लॉग में नहीं, अगले ब्लॉग में देख लेना मतलब शादी वाला ब्लॉग। गुड मॉर्निंग करिश्मा नाना। गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? ओ हाँ गाइज, नाना ने कल मोमो बनाया था, तो कल का बच्चा को वो चाहो मोमो आज हम खा रहे हैं सुबह सुबह। हाँ ज्यादा मत दाना, चार पीस। थैंक यू जी। मोमो भी चार, और कहाँ है अचार? गुड मॉर्निंग मेरी मम्मी जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सबे जनालाई। क्या खाया? मैंने कल मोमो बनाया था। चलो, मैंने भी मोमो खाया। डैडी जी को दूध, ये डैडी जी आउँछ अहिले त। हेलो, चलो गाइस मोमो चक्की बताते हैं। खाना तातो छ है? ओह माय गॉड, चम्मच निकालो तो मम्मी। यम्मी यम्मी मम्मी जी का गिफ्ट। माय मम्मी जी गिफ्ट कितना बेच लिया आपने? गिफ्ट बेच बेच के बहुत ज्यादा कमाई किया होगा मम्मी जी ने। मैं दूंगी अनुका को। ओ दुल्हन को? आपके आपकी तरफ से? तरफ से। अच्छा, क्या है इसके अंदर? है अरे बहुत भारी है तो छोटा है, लेकिन स्पेशल है। सोचो लगा कल आप लोग ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइज। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे दर्शन ब्लॉग्स। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो। लव मम्मी जी, बाय बाय। बाय बाय नाना, बाय बाय बंदे। बाय बाय।